हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि सचान और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सब? और चलिए चलते हैं किचन की तरफ। फ्रेंड्स, आज बनाएंगे हम शिमला मिर्च की सब्ज़ी। सर्दियों का सीज़न चल रहा है तो शिमला मिर्च की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीका बताऊंगी जिससे सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो आपने देखा ही है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है वीडियो में, बिल्कुल इसी तरह से एक बार बना कर देखें। शिमला मिर्च को कुछ इस तरह से काटा गया है, चौकोर थोड़े बड़े टुकड़ों में। प्याज को भी थोड़ा लंबा ही काटा गया है और टमाटर के भी मोटे मोटे चंक्स किए गए हैं। और लहसुन भी मैंने थोड़ा सा काट लिया है क्योंकि सर्दियों का सीज़न है। और हरी धनिया आप देख रहे हैं यहाँ पर है मेरे पास। और यहाँ पर मेरे पास उबले हुए आलू हैं, तो सबसे पहले हम आलू को छील लेंगे। और आप चाहें तो आलू को छील कर काट सकते हैं या आप हाथों से भी तोड़ सकते हैं। सारे आलू मैंने छील लिए हैं, मैं इनको मोटा मोटा काट लूँगी इस तरह से। काफ़ी गर्म है तो सावधानी से। यहाँ पर कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में तेल ले लिया है। आप देख सकते हैं मैंने इतनी क्वांटिटी में तेल लिया है। ये सब्ज़ी लगभग 3 से 4 लोगों के लिए बनकर तैयार होगी। सूखी सब्ज़ी है तो आप इसको टिफ़िन में भी ले जा सकते हैं, ऑफिस वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर ले जा सकते हैं, और सफ़र वगैरह के लिए बहुत अच्छी रहती है। बस प्याज को आप ना डालें। तो जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाए डाल देंगे हींग। हींग से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और जीरा डाल देंगे, और जैसे ही जीरा चटक जाएगा तो प्याज डाल देंगे और लहसुन भी साथ में डाल देंगे। प्याज को बस हल्का गुलाबी करेंगे, प्याज को ज़्यादा नहीं, जैसा कि मैंने कहा था हल्का ही किया है। तो अब यहाँ पर हम कुछ सूखे मसाले डाल लेते हैं, गैस को धीमा कर दिया है। हल्दी पाउडर डाल देंगे, नमक डाल लेंगे यहीं पर साथ ही साथ लाल मिर्च डालेंगे। आप हरी मिर्च का यूज़ करें तो और भी ठीक रहेगा, लाल मिर्च बहुत थोड़ी सी ही डालूंगी जिससे कि मैं चाहती हूँ इसका एक पीला अच्छा सुनहरा कलर आए। मिक्स कर दिया है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर शिमला मिर्च डाल लेंगे क्योंकि शिमला मिर्च हमारी कच्ची है, बाकी चीज़ें भुनी हुई, वो हमारा जो आलू वगैरह है वो पका है। और फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ाकर इसको पका लेते हैं। बहुत हल्का सा पकाना है, बहुत गलाना नहीं है इसको, क्योंकि शिमला मिर्च ऐसी सब्ज़ी है जिसे हम कच्ची भी खा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसको अगर गला देंगे तो इसका कलर भी चला जाएगा और इसकी क्रंचीनेस भी चली जाएगी। बस शिमला मिर्च को 1 मिनट तक भूनना है। आलू डाल देंगे और फ्लेम को यहाँ पर मीडियम टू हाई ही रखेंगे और इस तरह से चला लेते हैं। तो हमारे आलू भी मसाले में कोट हो जाएंगे और शिमला मिर्च भी ज़्यादा नहीं पकेगी। अगर तेल बहुत ज़्यादा कम डालेंगे तो ये बहुत रूखी लगेगी सब्ज़ी, इसलिए तेल को ना ज़्यादा डालें ना कम डालें। अब इसी स्टेज पर डाल दूंगी टमाटर। टमाटर आप ज़्यादा डालें तो ज़्यादा अच्छी बनेगी। अगर खट्टा खाना पसंद करते हैं, टमाटर को मैश बिल्कुल नहीं करना है, टमाटर को खड़ा खड़ा ही रखना है, इसलिए बिल्कुल लास्ट में डाला गया है क्योंकि ये सर्दियों का सीज़न है तो इस टाइम के टमाटर खाने में बहुत ही अच्छे रहते हैं। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल भी रूखी नहीं है सब्ज़ी, बहुत ही ज़्यादा चिकनी चिकनी बनी है। और हम यहाँ पर धनिया पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि धनिया पाउडर इसका जो मॉइस्चर है, जो चिकनापन है, वो छीन लेती है। तो यहाँ पर डालेंगे बहुत थोड़ा सा गरम मसाला खुशबू के लिए। और सब्ज़ी हमारी लगभग बनकर तैयार है, ये लीजिए। गैस को कर देती हूँ बंद और सब्ज़ी बिल्कुल बनकर हो गई है तैयार।
डाल दूंगी हरा धनिया। और मिक्स कर दूंगी। पिसी मिर्च की जगह पर हरी मिर्च का इस्तेमाल करें तो सब्ज़ी और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। ये देखिए बहुत ही लजीज शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनकर तैयार है एकदम मिनटों में। तो ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। शिमला मिर्च लोगों को कम पसंद होती है वैसे, पर इस तरह से बनाएंगे तो सभी लोग खाएंगे आपकी सब्ज़ी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें बिना बिल्कुल मत जाया करिए, और कमेंट में अपने कमेंट हमें ज़रूर बता दिया करें। शेयर कर दीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में, और अगर आए हैं पहली बार तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और सब्सक्राइब करने के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, ये बिल्कुल भी फ्री है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।